Welcome to Dev Classes. Today we will start our new topic, Axis Pressure in a Drop. First of all, you consider about a spherical surface. आप एक spherical surface के बारे में सोचिए कि हमारी spherical surface two types की हो सकती है. One that is solid surface, that is this solid spherical surface. अब स्टूडेंट, इस स्फेरिकल सरफेस से जो आपके सॉलिड स्फेरिकल सरफेस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो इसके अंदर का प्रेशर है, वो दोनों इक्वल हैं. अगर आप इसमें कहीं पर होल कर दें या पंक्चर कर दें तो ये आपकी छोटी होने की कोशिश नहीं करेगी. सरफेस जो आपका है छोटा होने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि इसका प्रेशर सेम है. तो एक तो हमारी इस टाइप की स्फेरिकल सरफेस होती है. दूसरा, आप एक बैलून लीजिए, उसका इन्फ्लेट करना स्टार्ट कीजिए, फुलाना स्टार्ट कीजिए, तो आप क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के, एयर के मॉलिक्यूल्स, वो आपके दूर दूर चले जाएंगे और आपका सरफेस बड़ी होती चली जाएगी. लेकिन जो वो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वो सरफेस है, वो आपकी छोटा होना चाहती है. सॉलिड सरफेस में ये कंडीशन नहीं थी, वो सरफेस छोटा होना नहीं चाहती थी. लेकिन अगर आप बात करें लिक्विड की सरफेस की या बैलून की सरफेस की, तो वो सरफेस आपकी छोटा होना चाहती है. छोटा होने के लिए जो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, वो सब पर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. जब फोर्स लगाएंगे सब एक दूसरे पर, तो वो आपकी सरफेस छोटी होती चली जाएगी. और जो वो आपका फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो आपका फोर्स लगेगा, ये हमारा लगेगा टेंजेंशियल फोर्स. अब हो क्या रहा स्टूडेंट कि ये सरफेस आपकी, जैसे हमारी सरफेस छोटा होना चाह रही है, हमारी सरफेस छोटा होना चाह रही है, तो यानी कि बाहर से हमारा प्रेशर लग रहा है. जब सरफेस छोटी होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जो काफ़ी दूर दूर हमारे चले गए थे, वो आपके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स. फिर एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर इनके बीच में होता है टग एंड वार. बाहर का प्रेशर छोटा होने की कोशिश करेगा, अंदर का प्रेशर उसको बड़ा करने की कोशिश करेगा, और ये आपकी स्फेरिकल शेप पर हो जाएगी. ना बॉडी आपकी अब बाहर की तरफ इन्फ्लेट होगी, ना अंदर की तरफ आपकी श्रिंक होगी, ना एक्सपेंड होगी, ना आपकी श्रिंक होगी. लेकिन स्टूडेंट, अब जो प्रेशर है इनसाइड में ज्यादा होगा कि आउटसाइड में ज्यादा होगा, आप समझिए कि हमारी स्फेरिकल सरफेस है जो आपकी छोटा होना चाह रही है, इसके मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर हैं. जब वो छोटा होंगे तो मॉलिक्यूल हमारे पास पास आएंगे और अंदर का एयर का प्रेशर हमारा बाहर की तरफ लगेगा, और वो बॉडी हमारी अब स्फेरिकल शेप में रुक चुकी है. इट मींस कि जो हमारा अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, तभी वो स्फेरिकल शेप में आएंगे. तो हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं. वन इज सॉलिड सरफेस, जिसमें कि हमारा प्रेशर इक्वल रहता है. सेकेंड इज लिक्विड सरफेस, या फिर हमारा बैलून सरफेस, जो कि हमारा स्ट्रेचेबल हो, जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो सरफेस छोटा कर सकता हो. क्योंकि सॉलिड में कंडीशन नहीं है कि सरफेस को छोटा कर दे, लेकिन लिक्विड सरफेस और बैलून सरफेस, जो कि आपका रबर का होता है, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को छोटा कर सकती है, सरफेस को छोटा कर सकती है. तो जो सरफेस को छोटा कर सकती है, हमें उस स्फेरिकल शेप की बात करनी है. तो टुडे आवर टॉपिक इज एक्सिस प्रेशर इन अ ड्रॉप. आपकी लिक्विड की ड्रॉप बनती है, तो जो लिक्विड है वो हमेशा बनता है आपका स्फेरिकल शेप में. एज वी ऑल नो, फॉर ए गिवन वैल्यू द स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया. सो लिक्विड रिक्वायर मिनिमम सरफेस एनर्जी टू ऑब्टेन अ शेप ऑफ स्फेरिकल सरफेस. अगर उसको स्फेरिकल शेप बनाना है तो उसको मिनिमम सरफेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम के लिए हमारा जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, सबसे लीस्ट होता है. अब एक चीज हम यहां से समझ सकते हैं, इन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड देयर इज ऑलवेज एक्सेस प्रेशर इनसाइड. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ड्रॉप है उसमें इनसाइड में हमारा एक्सेस प्रेशर होता है, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा नहीं है. आउटसाइड वाले तो प्रेशर लगाया, उसके बाद वो रुक गया, फिर अंदर वाले ने प्रेशर लगा के उसको स्फेरिकल शेप में बनाया.
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देयर इज ऑलवेज एक्सेस प्रेशर इनसाइड. नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ऐसी सरफेस लेनी है जो आपकी छोटा हो सकती हो, स्ट्रेचेबल हो. सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक विच ट्राई टू डिक्रीज इट्स एरिया. जो कि ट्राई करती हो अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए. हमें वाली सरफेस लेनी है, हमें सॉलिड सरफेस नहीं लेनी है. नाउ स्टूडेंट, जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है जो आपकी छोटा होना चाह रही है, उस पर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. दैट इज द सरफेस. और ये मॉलिक्यूल्स, यहां पर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पर दिस फोर्स, और एक दूसरे को छोटा करते जा रहे हैं. तो जो ये वाला फोर्स है आपका, ये जो फोर्स लग रहा है सरफेस के अलोंग, इस फोर्स का नाम है टेंजेंशियल फोर्स, राइट. और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन. तो अब हमें स्टूडेंट सरफेस टेंशन, रेडियस एंड प्रेशर, जो आपका एक्सेस प्रेशर है इनसाइड अ ड्रॉप, उसके बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है. रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें फोर्स का पता करना है कि हमारा फोर्स कितना लग रहा है. आप देखिए कि जो हर मॉलिक्यूल्स है वो हमारा छोटा होना चाह रहा है. हर मॉलिक्यूल्स पर हमारा टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, और ये पूरी सरफेस पर हमारा लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स. और अंदर हमारा प्रेशर कितना है, एक्सिस प्रेशर पी. तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू पी इंटू ए, प्रेशर इंटू कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है, आपका पूरा स्फेरिकल सरफेस पे फोर्स लग रहा है. और पूरी स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, 4πr², राइट स्टूडेंट. अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज ध्यान रखना है, जो कि आपका हमेशा काम में आएगा, कि जब आप सरफेस एनर्जी की बात करते हैं तो आपको वर्गडन करना पड़ेगा, और वर्गडन के लिए आपको उस ड्रॉप को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. और आप जानते हैं कि जो ड्रॉप है वो फोर्स लगने के बाद, सरफेस टेंशन लगने के बाद छोटा हुई है, हम उसे बड़ा करने जा रहे हैं, यानी कि हमें फोर्स के अगेंस्ट में काम करना है. आप यहाँ पे देखें, ये हमारी सरफेस है, इसके अंदर लिक्विड है हमारा, और ये हमारी एयर है. अब हम इस लिक्विड के ड्रॉप को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा. और आपको पता है कि इसके चारों तरफ हमारा एक सरफेस टेंशन लगी हुई है, हमारा फोर्स लगा हुआ है. उस फोर्स के अगेंस्ट में हमने ये वर्कडन कर दिया, हमने डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा आर. अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्कडन. तो ये हमारा वर्कडन के इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की वैल्यू पी इंटू 4πr² मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. आप देखिए जरा, ये सरफेस है, अगर हम इस चारों तरफ से हमने इसको बड़ा किया, और उसमें जो इंक्रीमेंट आया डेल्टा आर का हमारा आया है, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यही वर्कडन हमारा इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी होता है. ये जो हमने वर्कडन किया, यही इस ड्रॉप में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. दिस वर्कडन इंक्रीजेस सरफेस पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो आपका वर्कडन है, यही हमारा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बनता है, यानी कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है. नाउ वी नो द रिलेशन, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया. जो आपका सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, इसका हमारा रिलेशन है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए. नाउ दैट इज सरफेस टेंशन इनटू, हम बात कर रहे हैं चेंज इन एरिया. जो आपका सरफेस एरिया में चेंज हुआ है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4πr², 4π. व्हाट इज चेंज, फर्स्ट जो आपका रेडियस थी वो आपकी आर थी, अब आपकी रेडियस हो गई आर प्लस डेल्टा आर. तो यहां पर आपका आएगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस
जो आपकी इनिशियल सरफेस एरिया था 4πr², राइट। नाउ ओपन दिस, s इनटू पाई कॉमन कर देते हैं, 4πr² डेल्टा आर का स्क्वायर 2r इनटू डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर विल बी नेगेटेड एंड डेल्टा आर स्क्वायर रिजेक्टेड बीइंग टू स्मॉल। जो आपका डेल्टा आर स्क्वायर है, क्योंकि आपका डेल्टा आर वेरी स्मॉल है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिलेशन आया s इंटू 4π इंटू, ये नेगलेक्ट हो गया आपका, तो आपका आ गया 2r डेल्टा r। तो ये आपका आ गया सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू s इंटू डेल्टा a, दैट इज s, और डेल्टा a जो आपका सॉल्यूशन करके आया 4π 2r डेल्टा r। अब यही सरफेस पोटेंशियल एनर्जी हमारा वर्क डन के इक्वल है जो भी हमने सॉल्व किया। सो वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द वर्क डन, पी इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, दैट इज दिस एस इंटू 4π इंटू 2r डेल्टा आर। 4π कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। तो व्हाट इज द रिलेशन, पी इक्वल टू 2s अपॉन आर। तो ये आपका रिलेशन आया एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, दैट इज प्रेशर, दैट इज सरफेस टेंशन एंड दैट इज रेडियस। अब स्टूडेंट, अगर आपकी सरफेस टेंशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ड्रॉप में प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा, अगर आपकी रेडियस कम है उस ड्रॉप में प्रेशर ज्यादा होगा, अगर आपकी बड़ी ड्रॉप है क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, छोटी ड्रॉप है तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, जल्दी दबने की कोशिश करेगा, और बड़ी फोर्स है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है तो आपका वहां पर कम फोर्स लगेगा। तो बड़ी ड्रॉप में प्रेशर कम होगा, छोटी ड्रॉप में प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसमें सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगी उसी में आपका प्रेशर ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट, ये था आपका एक्सिस प्रेशर एंड ड्रॉप। इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टडी अबाउट एक्सिस प्रेशर इन अ लिक्विड बबल एंड एन एयर बबल। तो सो वी विल क्लोज टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।